हेलो व्यूअर्स, मौजम फूडी में आज हम बनाने जा रहे हैं वेजिटेबल पास्ता। आए सीखते हैं एक बेहद आसान और बहुत ही जल्द से बन जाने वाली रेसिपी। पास्ता बनाने के लिए हमने लिया है 250 ग्राम पास्ता, दो मीडियम साइज ओनियन इस तरह कट कर लेंगे, दो टमाटर मीडियम साइज इस तरह कट कर लेंगे, और इस तरह से कट की हुई दो मीडियम साइज शिमला मिर्च, 3 से 4 लहसुन इस तरह कट किया हुआ, दो हरी मिर्च, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक, 2 चम्मच टमाटो केचप, 1 चम्मच सोया सॉस। अब हम पास्ता बॉईल करेंगे। बॉईल करने के लिए हमने 2 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक लिया है और 1 टीस्पून या फिर 1 चम्मच कुकिंग ऑयल लिया है। अब हम इसमें पास्ता डालेंगे और अब हम पास्ता को 8 से 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे बॉईल करेंगे। पास्ता बॉईल हो के तैयार है। अब हम पास्ता को अलग छान कर रख लेंगे। पास्ता बनाने के लिए हम 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल ले रहे हैं, 1/4 चम्मच। अब हम अपनी वेजिटेबल्स इसमें मिक्स करेंगे। सबसे पहले हमने लहसुन डाला है, कटी हुई हरी मिर्च, प्याज, इनको हम 1 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च मिलाएंगे और फिर 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। अब हम अपने टमाटर इसमें मिक्स करेंगे। एक मिनट सारी वेजिटेबल्स को फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पास्ता मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्ची, चाट मसाला, काली मिर्ची पाउडर और नमक। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें टमाटो केचप डालेंगे। सोया सॉस डालेंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट तक पकाएंगे। तो 2 मिनट के बाद अब हमारा पास्ता तैयार है। अब हम अपनी फ्लेम ऑफ कर देंगे और पास्ता को डिश आउट करेंगे। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें
और शेयर करना ना भूलें। और अगर अभी तक आपने मौज़म फूडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर